हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बेबी गर्ल्स के हेयर एसेसरीज़ के बारे में। फ्रेंड्स, वैसे तो ये 5 to 6 ईयर 10 ईयर्स तक की बेबी गर्ल्स के लिए भी है, लेकिन मैंने ये वीडियो बेसिकली अपने बेबी गर्ल से इंस्पायर होकर बनाया है। वो बहुत छोटी थी तब से मुझे उसके लंबे बालों को सजाने संवारने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने इस हॉबी को आप सबके साथ शेयर करूँ। बिकॉज मेरे हिसाब से जैसा कि मेरा मानना है, जैसा कि मेरा सपना है, वैसे ही सभी माओं का सपना होता है अपने बच्चों के लंबे बालों को, ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं उनके लंबे बालों को सजाने संवारने का। फ्रेंड्स, क्या है कि हम वुमेंस की फैशन लुक बुक हो या फुटवेयर लुक बुक हो या ट्रेंड्स लुक बुक हो, बहुत ईजिली मिल जाती है, मेंस की मिल जाती है, बट किड्स के लिए थोड़ा सा समझ नहीं आता कि हम ऐसा क्या लें जो उनके लिए बहुत इजी हैंडी हो, बहुत लेस पेनफुल हो और वो इजीली उसे कैरी करके एंजॉय कर सकें और वो बहुत प्रिटी लग सकें। ऐसे तो सभी बच्चे बहुत ही सुंदर होते हैं, लेकिन बच्चों को संवारना और अच्छे से रखना हर माँ का एक ड्रीम होता है, जैसा कि मेरा है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ जब से वो हुई है, जब से उसके बाल लंबे हुए हैं, अभी उसका मुंडन नहीं हुआ है, तो मैंने उसके लिए कुछ अक्सर लिया करती थी उसके ड्रेसेस से मैचिंग का एसेसरीज़। तो आज मेरे पास कुछ कलेक्शंस हो गए हैं, बहुत सारे इसमें से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं क्योंकि वो खुद ही उसको खेल के तोड़ दिया करती थी खेलते खेलते। तो जो भी है मेरे पास आज मैं आप लोग के साथ आइए शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, ये एक हेयर बैंड है, ये बहुत सिंपल है, इसमें किसी तरीके के ब्रिसल्स नहीं है, किसी तरीके के दांत नहीं है जो पेनफुल हो बच्चे के लिए। तो इस तरीके के आप हेयर बैंड्स खरीद सकते हैं, ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस पे भी आते हैं और इनका मिलना लोकल स्टोर्स में बहुत आसानी से, ये लोकल स्टोर्स पे भी मिल जाते हैं, मॉल्स में भी मिल जाते हैं। मैंने इसे स्टोर 99 से ख़रीदा था और ये मुझे समथिंग 60 रुपीज़ या 40 रुपीज़ का मिला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है। तो ऐसा आप ले सकते हैं। इसमें 2-3 पैटर्न है मेरे पास, एक ये है पिंक, पिंक तो ऑलवेज गर्ल्स का फेवरेट है, और येलो मैंने किसी ड्रेस के मैचिंग के साथ लिया था। इसमें जो ये इस तरीके से लटकता है फेस पे आता है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये एक मैंने मल्टी कलर हेयर बैंड लिया था, इसमें भी कोई ब्रिसल्स, जितने भी हेयर बैंड हैं मेरे पास किसी में भी आपको कोई भी ब्रिसल्स नहीं मिलेंगे जो हेड्स में पेन करें बच्चों के। तो ये मैंने एक मल्टी कलर का लिया था, इसके बहुत सारे फ्लावर्स निकल भी गए हैं, मैंने 2-3 बार इसको लगाने की कोशिश भी करी थी, बट ये अब इस तरह है। और ये उसने थोड़ा कम ही लगाया क्योंकि इसका जो हेड एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था, तो उसने थोड़ा कम ही यूज़ किया है। बाकी हम रेगुलर पर्पज़ के लिए कभी कभी इस तरीके के बैंड्स ले सकते हैं, ये तो बहुत ईजिली मिल जाते हैं, किसी भी शॉप पे मिल जाते हैं, किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पे मिल जाते हैं। और इस तरीके के बीट्स, जब भी मैं कभी भी उसके बाल धोती हूँ और फेस पे ना आए, तो उसके लिए मैं ये इस तरीके के मल्टी कलर बीट्स लगा देती हूँ, इनसे बाल पीछे की तरफ रुके भी रहते हैं और ये कलरफुल से बहुत अच्छे भी लगते हैं जब भी वो बाल खोल के रखती है। नेक्स्ट, ब्लैक तो ऑल पर्पज़, कभी कभी लोकली कहीं पे आते जाते हैं हम लोग तो ऐसे बांध देते हैं। कुछ बैंड्स मेरे थोड़े गंदे हो गए हैं क्योंकि बालों में इतना ज़्यादा बच्चों के हेयर ऑयल होता है कि उनकी वजह से कुछ बैंड्स गंदे हो जाते हैं। देन नेक्स्ट, ये मैंने पार्टी वियर्स लिए हैं, ये मैं जब से उसकी दो चोटी करने लगी थी तब से मैंने इस टाइप के पेयरिंग में लेना शुरू किया था, ये पेयर्स में ही आते हैं। ये इसका ब्लैक है मेरे पास, पास से देखिए, ये ब्लैक बहुत प्यारा सा है, बहुत डिसेंट सा है, ये भी पेयरिंग में है, ये भी पेयरिंग में है। और इसमें का एक पिंक भी था जो डैमेज हो गया। और ये सिंपल से क्लिप्स हैं टिकटॉक्स, एक ये गोल्डन में क्लिप है, देन ये 2 बटरफ्लाइज हैं, ये मैं साइड में कभी कभी लगा देती हूँ। देन इस टाइप की क्लिप्स मेरे पास बहुत सारी थी, ये इस टाइप की क्लिप्स मैं हरिद्वार ट्रिप पे गई थी तो मैंने वहाँ से ख़रीदी थी। तो इसमें स्ट्रॉबेरीज थी, डॉल्फिन्स थी और क्लाउड्स थे, बहुत अच्छे अच्छे डक्स थी, रोज़ था, लेकिन सब खराब हो गया। देन नेक्स्ट, उस टाइप के क्लचर्स होते हैं, जब बाल बहुत लंबे होने लगे तो हम इस तरह के क्लचर लगा सकते हैं, मैं कभी कभी उसके पफ्स भी बनाती हूँ तो मैं इस तरह के क्लचर्स लगा देती हूँ। देन ये पार्टी वियर्स में मैं जब कभी उसके बाल ओपन करने होते हैं तो मैं ये बस यूं ऐसे स्क्रॉल करके हेयर्स में फिट हो जाता है ये स्प्रिंग, ये बहुत प्यारा सा है। देन इस तरीके के बैंड्स तो लोकली काफ़ी सारे मल्टी कलर्स में मेरे पास हैं उसके ड्रेसेस के मैचिंग के। देन ये एक हेयर बैंड है जो मैंने उसके एक आउटफिट के मैचिंग में ख़रीदा था, और
उसके बर्थडे ड्रेस दो ली थी मैंने, एक गोल्डन ब्लैक में थी, उसके लिए मैंने ये लिया था। इसमें ये बो बना हुआ है, ये ऐसे ही खड़ा ही रहता है ड्रेस के साथ। और एक ये मैंने उसके बर्थडे ड्रेस के साथ लिया था, वाइट ड्रेस थी उसकी उसमें के लिए। और फ्रेंड्स एक मैंने क्राउन खरीदा था जो टूट गया है, जो मैंने उसके बर्थडे, कभी मुझे मौका मिला तो मैं उसकी बर्थडे पिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जब मैंने उसका फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया था। देन इस टाइप की ये टिकटॉक्स हैं, ये पेयरिंग में ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं ये टिकटॉक्स। और ये हैं थोड़े से स्टोन्स में प्यारे प्यारे मैचिंग के, पिंक देन येलो देन स्काई ब्लू, इस टाइप के कुछ मैंने लिए हुए हैं। ये मैं पार्टीज़ में उसके लगा देती हूँ जब हल्का कोई फंक्शन होता है, और इस टाइप के मैंने लिए हैं। इनमें से कोई से भी फ्रेंड्स आपको ऐसे बैंड्स या ऐसी एक्सेसरी नहीं लगेगी जो पेनफुल हो, और ये तो बहुत ही हल्का है, बहुत ही लाइट वेट है। ये मैं कभी भी, मुझे ऐसा लगता है उसकी तबीयत नहीं ठीक है या वो बाल नहीं सही से बंधवाना चाहती है, उसे हेडेक ना हो, इसलिए मैं इस टाइप से ले लेती हूँ। इस टाइप की क्लिप्स फ्रेंड्स मैंने बहुत ली, पाइनएप्पल फ्रूट्स वगैरह बने रहते हैं, अब तो ये बहुत पुरानी हो चुकी है। देन फ्रेंड्स क्या करती हूँ ना मैं, कभी कभी इस टाइप के हम लोगों के लिए लगाने वाले जूड़ा पिंस में फ्लावर्स आते हैं, जिनके मैं फ्लावर्स निकाल लेती हूँ इस तरह से, और इन फ्लावर्स को मैं फ्रंट पे चोटी बना के उनके बीच में टक कर देती हूँ। ऐसे फ्लावर्स आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, ये मैं टक कर देती हूँ और ये बहुत ही प्यारा लगता है। कभी मैं अपने बेटी की हेयर स्टाइल्स का वीडियो बनाऊंगी तब उसमें आप सबको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको आज का वीडियो मेरा ये अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके मैं और अपनी बेबीज़ के हेयर कलेक्शन का वीडियो पोस्ट करूँगी। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मेरे रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक यू सो मच।